दोस्तों अब हम आ चुके हैं गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जैसलमेर का गोल्डन किला, किला जिसको सोनार किला, सोनार किला बोलते हैं। तो भाई बताओ जरा इसके बारे में। सर ये जो फोर्ट है एक्चुअल में लिविंग है, और ये जो पब्लिक यहाँ पे रह रही है वो उसी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं राजा और प्रजा फोर्ट के अंदर हिल स्टेशन पे। अच्छा। बाहर पूरा रेगिस्तान था, ड्राई एरिया, बाहर का सिटी 17th सेंचुरी के बाद में बसा है। अच्छा। और इस किले का निर्माण राजा जैसल ने 12 जुलाई 1156 यानी 12th सेंचुरी 868 ईयर्स ओल्ड 868 वर्ष पुराने ये किला है। क्या बात है, क्या बात है। और अभी भी देखो अच्छा खासा खड़ा हुआ है, मेंटेनेंस होती है या पूरा जो स्ट्रक्चर है एंटरलॉक सिस्टम से बना है, कहीं भी चूना सीमेंट पानी का यूज नहीं है, पत्थर के अंदर पत्थर कनेक्टेड, सब एंटरलॉक से बना हुआ है। अच्छा। हाँ। और फोर्ट का वॉल है 3.5 3.5 किलोमीटर परिधि है, चारों तरफ राउंड राउंड शेप से बुर्ज जैसे 99 टावर्स की वॉल के ऊपर बनाए गए थे। वो सिक्योरिटी पर्पज बनाए थे कि ओल्ड टाइम अटैक्स होता तो आक्रमणकारी सेनाओं का आसानी से एंट्री गेट मालूम नहीं पड़ेगा, वो सेना सीधा खड़ी चढ़ाई करती और ऊपर पत्थर भी लगे गोल बेलनाकार, उसे रोलिंग मिसाइल बोलते हैं। अच्छा, रोलिंग मिसाइल, वो पत्थर फेंकते थे, पत्थर फेंक देते दुश्मन सेना। हाँ। अभी अपन चार गेट क्रॉस करके ऊपर आए हैं, चार जो बड़े गेट थे टर्न बाय टर्न और जिगजैग रोड में बने हुए थे। ओल्ड टाइम अटैक्स होता एलिफेंट का यूज होता गेट तोड़ने के लिए, तो इजीली एलिफेंट भी गेट नहीं तोड़ पाएगा, इस तरीके से बनाया गया है। फर्स्ट और सेकंड गेट टूट गया तो थर्ड नंबर गेट ब्लॉक नहीं होगा, तो टर्न बाय टर्न जिगजैग रोड में। किले का मतलब होता है बख्तरबंद, आने जाने का एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तो अभी चार गेट क्रॉस करके ऊपर आए, बैक साइड जो ओपन कोटियार है इसे दशहरा चौक बोलते हैं, कि हमारे मारवाड़ के अंदर दशहरा और गणगौर टू बिग फेस्टिवल्स, दोनों ही समय दरबार लगता है, और उस समय यहाँ पे व्हाइट सिंहासन पे राजा, स्टेज पे सेक्रेटरी एंड चौक के अंदर क्राउड जनता होती है। ये चामुंडा माता देवी का मंदिर है सामने। अच्छा। ये 650 वर्ष पुराना टेम्पल है माता का, और ओल्ड टाइम क्या होता है यहाँ बलि प्रथा भी होता, जानवर का बलि देते, बफेलो एंड गॉड, बट सन 1971 इंदिरा गांधी शासन टाइम, उस समय न्यूक्लियर टेस्ट था पोखरण के अंदर, तब लाइव बलि प्रथा पे बैन लगा दी गई। तब से लेके आज तक फेस्टिवल तो हर वर्ष हो रहा है बट बलि प्रथा नहीं होती। वैसे अच्छी बात भी नहीं है, तो जितने पुराने कट गए कट गए, अभी नहीं कट, बलि प्रथा नहीं होता है, शस्त्र पूजा होती है। एक बात मुझे और पूछनी है, आपने बोला कि इसकी जो ब्रिक्स है इसमें कहीं सीमेंट नहीं लगा है, नहीं नहीं, तो जो अयोध्या जी में भगवान राम जी का मंदिर बना है उसमें भी कई ब्रिक्स में कई सीमेंट नहीं है, सीमेंट नहीं, तो ये वही टेक्निक है, वही टेक्निक है, एंटरलॉक सिस्टम से बनाए गए थे ओल्ड स्ट्रक्चर। तो जहां हम जा रहे हैं अयोध्या जी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलियर हैं। बिल्कुल। तो बोलो जय राम जी की। हाँ। बोलो जय श्री राम। जय राम। तो अभी हम पैलेस के अंदर आ चुके हैं। अच्छा भाई मुझे बताओ, जैसे अभी जैसे लोग बाग रहते हैं वो पैलेस के अंदर रहते हैं या इस एरिया के? फोर्ट पैलेस से बाहर, ये ओल्ड पैलेसेस राजाओं के थे, शाही पैलेस, अभी प्रेजेंट म्यूजियम है जो पब्लिक विजिट के लिए आता है, बाहर की तरफ एक टाउन है कॉलोनी की तरफ। ओके। तो इसमें इधर का 20% आबादी राजपूत कम्युनिटी है, इस साइड का 80% पंडित ब्राह्मण है। ओके। और ये सब वही फैमिलीज है, राजाओं के एडवाइजर, नौकर चाकर फैमिली, जो राजाओं के हेल्पर थे वो सब फैमिलीज यहाँ पे। तो अभी अपने राजाओं के कोई परिवार के सदस्य हैं इधर? नहीं, राज परिवार में है ना अभी हमारे जो प्रेजेंट राजा चैतन्य राज सिंह, तो यही रहते हैं, जैसलमेर में ही रहते हैं। उनका कोरोनेशन अभी हाल ही में हुआ है। अच्छा। 15 जनवरी 2021। तो देखो नए नए राजा हैं अभी। अच्छा एक बात मुझे और पूछनी है, क्या हम भी यहाँ एक प्लॉट ले सकते हैं अपनी रहने के लिए? प्लॉट काट के मिल जाए। ऊपर तो कोई प्लॉट है नहीं, क्योंकि तो ओल्ड जो हाउसेस वगैरह सब हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो फिर हम यहीं आके रहेंगे। जैसलमेर की गर्मी लग गई भाई, लोगों ने रेंट भी लिया है यहाँ पे, कैफेज रेस्टोरेंट वगैरह बाहर के लोग। नहीं नहीं, अगर अपने पुराने जो रह रहे हैं मुंशी वंशी उनके परिवार दे देंगे, रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं, हेरिटेज प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होता, सेल ऑफ नहीं होता। दिल टूट गया भाई, दिल टूट गया, बहुत मन बनाया था, सोचा था एक छोटा सा प्लॉट बनाएंगे, यहीं रुकेंगे, बच्चे तो हैं, बच्चे खुश होंगे, बीच में छुट्टियों में आ जाएंगे वर्मा, फैमिली हॉलीडे भी हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं, आगे पूछते हैं कितना। भाइयों देखो ये बैग दिखाओ, ये भी 800 साल पुराना है, देखो लगता नहीं रहा है, इसमें टिकट डालते हैं भाई, चेकिंग होती है यहाँ पे, 800 साल पुराना। कमाल है यार, बहुत सुंदर है। अच्छा नीचे अस्तबल है, अस्तबल नीचे है क्या? आ जाओ आ जाओ। दोस्तों अभी अभी पता चला है यहाँ जो पीछे है ना ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड सा है, यहाँ पे अस्तबल हुआ करता था जिसमें घोड़े हाथी वगैरह भी थे,
हाथी तो आएगा नहीं, घोड़े। अच्छा ऊंट और घोड़े, तो अपने यहाँ पे हाथी रहे या नहीं? नहीं हाथी बहुत कम, हाथी बहुत, क्योंकि रेगिस्तान एरिया मरुस्थली एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर क्वांटिटी में कैमल ऊंट ही रहते क्योंकि ड्यून्स ज्यादा थे। अच्छा, और यहाँ का जो क्लाइमेट अकॉर्डिंग कैमल ही सर्वाइव कर पाता है, और इसमें कैमल रहते थे और कुछ घोड़े थे, और ये नीचे अंडरग्राउंड में इस कारण बना है कि दुश्मनों से और कई बाहरी लोगों की नजरों से छिपा रहे। अच्छा, अस्तबल अंडरग्राउंड में नीचे बना हुआ है। वेरी नाइस। हाँ, और वो उसका द्वार उस तरफ है गली में, मतलब बाहर निकाल घोड़े बैठ के आए महल के बीचों बीच से, पूरी प्लानिंग के साथ बनाएगा किला ये, पूरी प्लानिंग के साथ। बहुत बढ़िया है, चलो चलो फिर चलो, अभी कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं आपको, क्या क्या इस्तेमाल होते थे। सिर का ध्यान रखना, सिर का आना तुम्हें। अच्छा भाई, सिर का ध्यान रखना। स्टैंड गन, ये कौन सी गन है? स्टैंड गन, स्टैंड गन, लेकिन ये तो बैठी हुई है। अच्छा, इसीलिए इसको स्टैंड गन बोला गया। अच्छा, डिस्का डिस्का, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो उसे डिस्का। उसमें बारूद ही यूज होता था, बारूद आगे से ठोक के डालते थे। और अभी देखिए, ये यहाँ पे नेपाली वेपन खुखरी लगा हुआ है, तो खुखरी यहाँ पे क्यों रखा कि मैंने अब फोटो देखा ना, राजा बृजराज सिंह जी, उनका ससुराल भी नेपाल है, ननिहाल भी नेपालियों ने गिफ्ट किया, और इसका हैंडल सिल्वर चांदी का बनाया जो गिफ्टेड है खुखरी। और बता दे भाई, हमारा हरीश भी नेपाली है। हाँ, ये भी नेपाल से है। और ये तलवारे देख लो, ये घुमती है, इधर लंबी बंदूक है, देख लीजिए, लॉन्ग राइफल कैमल गन। इसको उठाते कौन था? एक आदमी उठा लेता, दो जने उठाते थे। कैमल के ऊपर टू सीटर होता है, दो जने आसानी से बैठते। एक कहावत बोलते कि दूसरे के कंधे पे रख के वॉर करना। अच्छा अच्छा, मतलब यश तू ऐसे होगा, बंदिये देख यहाँ, ये बंदूक रख के ऐसे डिस्काउंट डिस्काउंट। ये चार आदमी बारूद के हिसाब से कंफाउंडर कंटेनर है ये चार। अच्छा अच्छा अच्छा, बफेलो बेस के सिंह का है, बीच में जो आयरन का पोर्ट है वो ओपियम अफीम के लिए था। अच्छा, स्मॉल पिस्टल एमरजेंसी ट्रबन अफीम अफीम स्ट्रॉन्ग मैंस ड्रग्स। अच्छा, मतलब उस वक्त में भी ड्रग्स होते थे इसका मतलब। हाँ, और ये पिस्टल है जो टर्बन पगड़ी में रहती थी, स्मॉल पिस्टल। अच्छा, स्मॉल सेल। अरे वो देखो उधर वाली छोटी वाली, ये सुनो भाई, ये देखो छोटी वाली दिखाओ, इधर आओ, ये छोटी वाली गन दिखाओ, ये चड्डी गन है कि भाई छुपा के रखी भाई, ये साफे में रह सकती थी। अच्छा, साफे में रखते थे, जरूरत पड़ने पर निकाली और वार किया तो वार किया, अगर फंस गया तो खुद को उड़ा दिया। बैटल नट कटर्स, अखरोट सुपर या फिल्म के लिए बैटल नट कटर्स, बाकी सब संगीन है जो खंजर के आगे लगते हैं, और स्पीयर्स भाले के हैंडल्स। भाइयों, ये सब बहुत ही एथनिक है, मतलब बहुत पुराने पुराने औजार हैं सब। और देखो धनुष, इसका जो एरो है उसका लोगो मून का, क्योंकि हमारे यहाँ के राजा कृष्णवंशी यानी चंद्रवंशी, और चंद्रबाण डिस्प्ले किया हुआ है। इसका जब वॉर में जूता सिरों के ऊपर स्नैक पॉइजन, नाक का जहर लगाते हैं एनिमी के नेक गले के ऊपर। दोस्तों, यह है दीवान खाना, ये इसको कैबिनेट भी बोल सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह जो भी होती थी राजा की, खास मीटिंग वो यहीं पर होती थी। अच्छा, गुप्तचर, देखो ज्यादा कुर्सियां भी नहीं, दो चार ही लोग आ सकते थे, ज्यादा लोग बुलाते भी नहीं थे, गुप्त मीटिंग के लिए स्थान था आपका, तो कम लोग होंगे ना उसमें, ऑब्वियस ही बात है। चलो भाई आगे चलते, आगे दिखाते हैं। हां, आगे सब ओल्ड फोटोज है, ओल्ड जो राजाओं के कजन थे, जैसे कजन फैमिली मेंबर्स और इंडिया कंपनी के अधिकारी अंग्रेज लोग, उनके फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, उसके बाद सर, यस यस, अच्छा, वो तो सोने का, वो तो कैप्चर करो जरूर, देखो भाई ओरिजिनल सोना ही है ये, देखो ये अम्ब्रेला दिख रहा है, ओरिजिनल सोने का है दोस्त, बाकी सब सिल्वर चांदी का फर्नीचर है। भाई गर्मी है, बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठंडक होगी ना। हाँ हाँ, मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बाहर गर्म है और यहाँ पे ऐसे ठंडी हवा रही है मस्त। ये जाल जो है बंदर, उससे बचाने के लिए, कबूतरों से बचाने के लिए, कबूतर अंदर ना आए। वेरी नाइस। तो
यहाँ पे आप देखिए, अच्छा पहले तो पिजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोला कबूतर। ये क्या है भाई, ये क्या है? यश नाम, अच्छा लग रहा है, थोड़ा आराम कर लो भाइयों, बहुत बड़ा है। यहाँ से आप देख लो सामने एक बालकनी है। अच्छा, इस बालकनी को कहते हैं रणभेरी जरोखा, यानी अनाउंसमेंट बालकनी, मैसेज विंडो। अच्छा भाई, ऑल टाइम कोई भी मैसेज हो तो यहाँ से अलर्ट करते। राजा जी यहाँ आते थे, प्रजा को यहाँ से एड्रेस करते थे, कुछ भी अनाउंसमेंट करनी होती थी वो यहीं से करते थे। राजा का जो कोई मंत्री हो या कोई सेनापति हो वो यहाँ आके अनाउंसमेंट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे राजा जी नहीं आते थे, उनके मंत्री और जो उनका संदेशा होता था वो यहाँ पे आकर सब लोगों को एड्रेस करता था और बताता था कि राजा जी क्या चाहते हैं, युद्ध चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो सब यहीं पे बताया जाता था। दोस्तों देखो ये झरोखा, ये चार नंबर गेट के ऊपर बना हुआ है, ये पुराने टाइम का एसी है, एसी बोलो क्योंकि बस ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाहर तो गर्मी है लेकिन ये भाई ठंडी हवा अंदर फेंकता है और गर्मी बाहर। बेसिकली क्रॉस वेंटिलेशन के लिए है। हाँ, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों देखो, हम जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, पीछे देखो पूरा का पूरा जो है सबके गोल्डन कलर्स है घरों के मोस्टली। अब जो थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं वो थोड़ा ब्लू ब्लू कर रहे हैं, वैसे है गोल्डन। ये अपन इस स्टोन को बोलते क्या है? येलो सैंडस्टोन। येलो सैंडस्टोन, रेत का पत्थर कहलाता है भाई, इतना मजबूत रहता है ये। ये मजबूत रहता है, रेत का कलर भी येलो है ना। हाँ। ये भाई वो हाथ मुंह धोने का, ओ नहीं 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 फाउंटेन। जैसे डेजर्ट में पानी का कमी था, पानी को तो स्टोर करके रखते थे। और ये होली चौक था पुराना, जैसे होली फेस्टिवल था तो राज परिवार का लेडीज रानियां महारानियां होली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती, सर्वेंट्स ऊपर से कलर वाटर पानी गिराती दासी, और वो पानी नाली व्यवस्था से नीचे जाएगा, उसे फालतू वेस्ट नहीं जाने देना, नीचे स्टोर करते, पानी का कमी था। सैंडस्टोन की नालियां, फ्यू रेन वाटर, थोड़ा बहुत बरसात का पानी इकट्ठा होता, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, बट लिविंग फोर्ड पब्लिक अपने पेट्स जानवर के लिए पानी लेके जाते। 1992 कनेक्टेड इंदिरा गांधी कैनाल, सन 92 के अंदर ये रेगिस्तान नहर से कनेक्ट हुआ जो पंजाब प्रांत से आता है, सतलज नदी का वाटर सप्लाई हो रहा है। ओके, अब पानी का कोई समस्या नहीं है। उससे पहले कोई गवर्नमेंट अधिकारी का तबादला होता, डराया जाता काला पानी की सजा जैसल। अच्छा, कि घर में चल के मेहमान आ गया, खाना खिला दो, दूध पिला दो, पानी गिलास का नहीं पूछेंगे, पानी का एक गिलास देसी घी से ज्यादा कीमती, उसे स्टोर करके रखें। शाबाश। और दोस्तों ये जितना आपको नीचे दिख रहा है ना, ये सैंडस्टोन है, ये खास जैसलमेर में ही निकलता है, और इसकी खासियत ये है कि जब बारिशें आती हैं ये अपने आप ये रिपेयर हो जाता है, इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, और चमकता है, देखो बिल्कुल मिट्टी के रंग का है ये स्टोन, तो ये पूरा का पूरा जो किला बना हुआ है ये सैंडस्टोन का ही बना हुआ है।